दोस्तों अगर आप शौचालय के लिए अप्लाई किए थे तो शौचालय का जो सेकंड लिस्ट है वो रिलीज हो चुके हैं और इस नए लिस्ट में आपका नाम है या फिर नहीं है ये आप घर बैठे या आप अपने मोबाइल फोन से ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। और इस नए लिस्ट में अगर आपका नाम पेंडिंग में है तो आप जल्दी से इसको कैसे अप्रूव करा सकते हैं इसके बारे में इस वीडियो में आगे आपको जानकारी देने वाले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को कम्प्लीट ही देखें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों शौचालय फेज टू का न्यू लिस्ट को चेक करने के लिए सबसे पहले आप अपने मोबाइल से गूगल ब्राउजर को ओपन कर लेना है और यहाँ पे आपको सर्च करना है swachbharatmission.gov.in। ये लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। आप जैसे ही उस लिंक पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप डायरेक्ट इस वेबसाइट पर आ जाएंगे जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। और इस वेबसाइट पे आने के बाद सबसे पहले आपको स्क्रॉल करके नीचे की तरफ जाना है और यहाँ पे आपको एक ऑप्शंस देखने को मिलेंगे MIS, आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने नेक्स्ट इंटरफेस कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ पे थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आना है और यहाँ पे आपको एक ऑप्शंस देखने को मिलेंगे हाउस होल्ड ऑफ फेज टू CSC रिपोर्ट और नीचे यहाँ पे आप देख सकते हैं MR70A और इसके आगे लिखा हुआ है समरी ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड फॉर IHHL फ्रॉम सिटीजन, आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने नेक्स्ट इंटरफेस कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगा जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं MR70A सिटीजन एप्लीकेशन स्टेटस रिपोर्ट और नीचे यहाँ पे स्टेट वाइज रिपोर्ट आपको देखने को मिलेंगे यानी कौन सा स्टेट से कितने एप्लीकेशन रिसीव्ड हुआ है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे सीरियल नंबर दिए गए हैं और इसके बाद स्टेट नेम यहाँ पे दिए गए हैं, यहाँ पे सारे स्टेट यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे कौन सा स्टेट से कितने एप्लीकेशन रिसीव्ड हुआ है वो नंबर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे और इसमें से कितने अप्रूव्ड हुआ है वो नंबर भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। इसमें से कितने रिजेक्ट हुआ है, कितने पेंडिंग है और कितने का जियो टैगिंग हुआ है वो सारे लिस्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। अगर आप विलेज वाइज रिपोर्ट चेक करना चाहते हैं तो यहाँ से आपका जो भी स्टेट है सिंपली उस स्टेट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप अपने स्टेट के ऊपर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने नेक्स्ट इंटरफेस कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगा और यहाँ से आप अपने डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करना है जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे सीरियल नंबर दिए गए हैं, डिस्ट्रिक्ट नेम दिए गए हैं और आपके डिस्ट्रिक्ट में से कितने एप्लीकेशन रिसीव्ड हुआ है, कितने अप्रूव्ड हुआ है, कितने रिजेक्ट हुआ है, कितने पेंडिंग है वो रिपोर्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। और इसके बाद आपको सिंपली आप अपने डिस्ट्रिक्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप अपने डिस्ट्रिक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ से आपका ब्लॉक का लिस्ट आ जाएगा, ठीक है। यानी आपके डिस्ट्रिक्ट में कितने ब्लॉक है वो यहाँ पे ब्लॉक का नंबर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं सीरियल नंबर यहाँ पे दिए गए हैं। इसके बाद यहाँ पे ब्लॉक नेम दिए गए हैं और कौन सा ब्लॉक में से कितने एप्लीकेशन रिसीव्ड हुआ है, कितने अप्रूव्ड हुआ है, कितने रिजेक्ट हुआ है, कितने पेंडिंग है, कितने का जियो टैगिंग हुआ है, उस सारे लिस्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। और इसके बाद आपको करना क्या है, सिंपली विलेज लेवल में चेक करने के लिए सिंपली आपका जो ब्लॉक है उस ब्लॉक के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ब्लॉक के ऊपर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने आपके ब्लॉक का लिस्ट शो हो जाएगा और इस लिस्ट में आपके ब्लॉक के अंदर जितने भी लोगों ने शौचालय के लिए अप्लाई किए हैं सबका नाम यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे सीरियल नंबर दिए गए हैं, इसके बाद यहाँ पे ब्लॉक नेम दिए गए हैं, इसके बाद यहाँ पे ग्राम पंचायत नाम दिए गए हैं, ठीक है। इसके बाद आपका जो विलेज नेम है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे इस तरह स्क्रॉल करेंगे तो। और इसके बाद यहाँ पे एप्लीकेशन आईडी, जो आपने अप्लाई करते टाइम जो आपको एप्लीकेशन आईडी मिले हैं वो एप्लीकेशन आईडी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। और इस तरह स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे फादर्स नेम या फिर हस्बैंड नेम वो देखने को मिलेंगे और यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर का जो लास्ट 4 डिजिट है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद जेंडर देखने को मिलेंगे, कैटेगरी, सब कैटेगरी और आपका एप्लीकेशन जो है वो पेंडिंग है या फिर अप्रूव्ड है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर आपका एप्लीकेशन अप्रूव्ड हो गया है तो अप्रूव्ड का जो डेट है वो डेट यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे और अगर आपका एप्लीकेशन पेंडिंग है तो यहाँ पे आपको पेंडिंग देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये लिस्ट काफ़ी बड़ा है, इसमें कम से कम 10,000 बेनिफिशियरीज का नाम यहाँ पे है तो इसमें आपको एक एक करके चेक करना आपके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो इसके लिए आपको करना क्या है, सिंपली इसको डाउनलोड कर लेना है। तो डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे 2 ऑप्शन दिए गए हैं, एक एक्सेल और दूसरा प्रिंट। यानी अगर आप एक्सेल शीट में डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पे एक्सेल के ऑप्शन में क्लिक करके आप इसको एक्सेल शीट में डाउनलोड कर सकते हैं और अगर आप प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक आपके मोबाइल पे डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। और डाउनलोड होने के बाद सिंपली वहाँ से सर्च का एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा, आपको सिंपली सर्च के ऑप्शन में आप अपने एप्लीकेशन आईडी से, जो आपके एप्लीकेशन आईडी है ये वाला, इस एप्लीकेशन आईडी से सर्च करना है। अगर आप नाम से सर्च करेंगे तो आपके नाम का काफ़ी सारे लोग देखने को मिलेंगे तो इसमें आपको मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप से चेक कर रहे हो तो सिंपली यहाँ पे इस पेज पे आने के बाद
आप अपने कंप्यूटर का कीपैड में कंट्रोल एफ प्रेस करना है। इसके बाद वहाँ पे आप अपने एप्लीकेशन आईडी को सर्च करना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका जो एप्लीकेशन आईडी है इस तरह यहाँ पे हाईलाइट होके आ जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आए होंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।